हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। दीपावली आ गई फिर इस वर्ष। दीपावली दीपावली दीपों की अवली यानी दियों की लड़ियां लगाना। तो ये महीना कार्तिक का, जैसा आप सुनते आ रहे हैं, दीप दान की बड़ी महिमा है। तो इस दीपावली को कैसे मनाया जाए, इसे पंच दिवसीय उत्सव कहा जाता है, यानी 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव। इसकी प्रारंभिक अवस्था धनतेरस से प्रारंभ होती है। धनतेरस, धनतेरस वाले दिन धन नहीं खरीदना चाहिए। लोग कहते हैं जी कुबेर का खजाना बढ़ता है और कुबेर जो है वो बड़ी कृपा करते हैं, इसलिए हम सिक्के खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। ठीक है, वो आपकी विधि हो सकती है, परंतु धनतेरस का अर्थ क्या है? धनतेरस का अर्थ है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रगति हुए। कौन है धन्वंतरी? भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों में से श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, प्रमुख अवतार है धन्वंतरी अवतार, जो कि आयुर्वेद जो है संसार में, आयुर्वेद की ज्ञान सब जानते हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य हैं भगवान। तो देवताओं को जब शुक्राचार्य अपने असुरों को जीवन प्रदान कर रहे थे, देवता गए बृहस्पति जी के पास और बोले आप हमको वापिस जीवन प्रदान करिए। तो बृहस्पति जी बोले मेरे पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है। तो फिर जब भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान ने कहा क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन करो, जब इसे मंथन किया जाएगा उसमें से 14 रत्न निकलेंगे, अंतिम रत्न निकलेगा जिसको कहेंगे धन्वंतरी का अमृत कलश। तो आप जानते 13वें नंबर पर धन्वंतरी भगवान निकले और 14वें नंबर पर धन्वंतरी जी का कलश यानी अमृत कलश निकला। इस अमृत को पीकर सभी देवता अमर हो गए। ये अमृत कलश स्वर्ग में प्राप्त होता है। आज भी कोई व्यक्ति जीवात्मा स्वर्ग जाती है तो उसको अमृत की कुछ बूंद पिला करके लंबे काल तक की आयु प्रदान की जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ये अमृत कलश है धनतेरस के दिन ही ये प्राप्त होता है अमृत कलश। तो ये जो अमृत कलश है इसलिए धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। एक पिक्चर निकालो धन्वंतरी का, फोटोग्राफ निकाल कर रख लो, उनको माला चढ़ाओ, उनको अगरबत्ती दीप करो, उनको प्रार्थना करो कि मेरी काया निरोगी रहे। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर माध्यम है। शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, कलयुग के धर्म का साधन करने के लिए शरीर तो माध्यम है। अब शरीर निरोगी अगर होगा तभी तो भजन अच्छा होगा। अगर शरीर में बहुत सारे रोग होंगे तो भजन होता नहीं है, फिर तकलीफ में आदमी कहता है मुझसे होता नहीं, जाया नहीं जाता, भजन नहीं होता। इसलिए धनतेरस का दिन बड़ा भजन करना चाहिए कि हे धन्वंतरी मेरी काया को निरोगी बनाइए। और बड़ी कृपा करते हैं जितने आयुर्वेद आचार्य इस पूरे वैद्य आदि हैं, जिस पूरे भारतवर्ष में कहें, पूरे विश्व में कहें, सब लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आप उनके क्लिनिक पर जाएंगे, अगर असली धन्वंतरी का उपासक या आयुर्वेद का आचार्य होगा तो इसने जरूर धन्वंतरी के बारे में अध्ययन किया होगा, जो कि भगवान कृष्ण ही धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। धनतेरस के अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी, यानी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन आपको भगवान नरकासुर का वध करने वाले द्वारकाधीश का भजन करना है। ये नरक चतुर्दशी कैसे नाम आ गया? भगवान के, जब भगवान ने पृथ्वी को अपने वराह रूप में उठाया था तो उस समय पृथ्वी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था भगवान के, जिसका नाम था भौम असुर। भूमि का पुत्र था भौमा, लेकिन उसके कार असुर जैसे थे, उसका नाम पड़ा भौमासुर। उसने अपनी एक नगरी बनाई थी प्रज्ञा ज्योतिषपुर, चारों तरफ किले बना लिए थे, उसमें कोई आ नहीं सकता था, पानी बनाया था, खतरनाक टीला बनाया था और ऐसे बिजली लगाई थी कि कोई अंदर प्रवेश न कर सके, और अलग अलग इलाकों से अलग अलग राजकुमारियों को अवगाह करके किडनैप करके रखा था और बोलता था कि मैं अमावस्या यानी दीपावली की रात को इनसे विवाह करूंगा। सभी कन्याओं ने पत्र लिखा द्वारकाधीश से, कहा द्वारकाधीश आप हम पर कृपा करें, हमें आकर बचा लें। अब द्वारकाधीश जो है वो भगवान कृष्ण है और वही भगवान वराह है। तो भगवान वराह ने पृथ्वी को वरदान दिया था कि मैं तुम अपने पुत्र को कभी मारूंगा नहीं, तो द्वारकाधीश इस भौम असुर को मार नहीं सकते थे। तो कौन मारेगा? स्वयं पृथ्वी मार सकती है और पृथ्वी के अवतार है सत्यभामा। तो सत्यभामा को गरुण पर बिठाकर स्वयं साथ में लेकर गए भगवान, और सत्यभामा ने सुदर्शन चक्र से इस भौमासुर का वध किया, जिसने नरक जैसी स्थिति उत्पन्न करी थी, इसलिए इसको नरकासुर भी कहते हैं, क्योंकि इस 14 के दिन, छोटी दिवाली के दिन, इस राक्षस का वध भगवान ने किया, इसलिए इस दीपावली को नरक चतुर्दशी कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर इस नरक जैसी यातनाओं से बचना चाहे
तो उसको नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर पर 5 बड़े दीपक लगाने चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का दीप घुमाने के बाद रख देना चाहिए और बोलना चाहिए, हे यमराज, हे यमदूतों, कृपया करके हमारे घर की ओर मुख मत करना, क्योंकि ये केशव का घर है, कृष्ण का घर है, यहाँ तुलसी की पूजा होती है या कृष्ण की पूजा होती है। तो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, जिसको भी आप, उनको रोशनी देने के लिए अपने घर के बाहर 5 दीपक लगा करके उत्सव उजाला कर सकते हैं। अगला दिन आता है दीपावली का, जो कि लोग बहुत इंतजार करते हैं, दीपावली आएगी। दीपावली का दिन एक अद्भुत दिन है। दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजन नहीं किया जाता, किसका पूजन किया जाता है? अब देखिए, गणपति पूजन इसलिए होता था कि ये अग्रज पूजा है, सबसे पहले इनकी पूजा होगी, फिर लक्ष्मी की पूजा होगी। तो पहले गणेश की पूजा लोग करते थे, फिर लक्ष्मी की करते थे। धीरे धीरे कलयुग में समाज इतना गिर गया, इतना उसका पतन हो गया कि सिर्फ दिखावे के उत्सव रह गए और अध्यात्म उसमें से गायब हो गया। आज हमारे समाज में कुरीतियों ने इतना प्रकोप है कुरीतियों का कि उसके अंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी को जोड़े में बना दिया। लक्ष्मी गणेश का कभी विवाह हुआ? लक्ष्मी जी के पति है नारायण और गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? माँ और बेटा, तो ये अलग अलग पूजा की जाती थी, लेकिन आज लोगों ने जोड़े में पूजा करने लगे, पति पत्नी बोलने लग गए, नए बच्चों को, युवाओं को तो बताने वाला कोई नहीं है। लोग 5 मिनट पूजन करते हैं और पूरा महीना दीपावली की तैयारी करते, किस लिए? अरे, भगवान को भूल करके कभी किसी ने आज तक शुभ लाभ प्राप्त किया है? खाली शुभ लाभ लिख देने से शुभ लाभ नहीं होता। शुभ लाभ होता है जब हम मंगलकारी भगवान विष्णु का भजन करते हैं। लक्ष्मी जी के पति है नारायण, कौन सी पत्नी ऐसी होगी जिसके पति का अपमान किया जाए, उसको भूल जाया जाए और पत्नी बड़ी खुश होगी, हाँ हाँ मैं आऊंगी आऊंगी इसके घर में आऊंगी। अगर आ भी जाएगी ना, तो पत्नी हमेशा अपने वाहन पर आती है, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, उल्लू पर बैठ करके आएगी और व्यक्ति को दुर्गति प्रदान करेगी, उसके पैसे को ऐसी जगहों पर लगवाएगी जहां पर उसके लॉसेस होंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो 0/0 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नारायण का भजन नहीं किया लक्ष्मी जी के साथ। नारायण के साथ अगर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो कि भागवत आदि में भी वर्णन है, आप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले आइए, सीता राम का चित्र ले आइए, या सबसे अच्छा है राधा कृष्ण का चित्र ले आइए, क्योंकि कृष्ण से ही सारे विष्णु निकले, सब नारायण निकले हैं और राधा रानी से ही सारी सहस्त्र लक्ष्मियां निकली हैं। हजारों हजारों लक्ष्मियां राधा रानी के इस दिव्य सच्चिदानंद शरीर से निकलती हैं, इसलिए राधा कृष्ण का पूजा कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, दीपावली का दिन तो वो है जिस दिन आए थे भगवान राम अयोध्या में, उन्होंने स्वागत किया, तो सीताराम की पूजा कर सकते हैं, वो भी लक्ष्मी नारायण है, या लक्ष्मी नारायण की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि भाई लक्ष्मी जी की ही करनी है, तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण की करिए। अब नारायण के साथ अगर आप पूजन करेंगे तो किस पर आएंगे? बैठ करके गरुण विमान पर। अब गरुण पर जब आएंगे तो गरुण बुद्धि का प्रतीक है, वो आपको बुद्धि देगा इस धन को कहां लगाए, दान में, पुण्य में, है ना, ऐसे उत्सवों में लगाया जाएगा जहां से अद्भुत फल की प्राप्ति हो। लेकिन आप लगाएंगे अगर खाली लक्ष्मी जी का पूजन, तो उल्लू के साथ अपने वाहन पर आकर के हमारे को दुर्गति प्रदान कर देती है लक्ष्मी। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, जिनको स्वप्न आया छोटी दिवाली के दिन कि मैं कल ही तुम्हारे इस महल से निकल करके जाने वाली हूँ। तो सेठ जी बड़ा घबरा गए, बोले क्यों लक्ष्मी जी आप जाना चाहती? कि मैं घुट रही हूँ, मुझे लॉकरों में बंद कर रखा है, गद्दों में सिलकर रखा हुआ है, ईंटों के अंदर छुपा रखा है, मैं घुट रही हूँ, मैं चली जाऊंगी कल तुम्हारे घर से, बहुत बड़ा दिवाला गिरेगा, सब खत्म हो जाएगा। घबरा गए। तो उनके घर में उनकी जो बहू रानी थी वो भजन करती थी भगवान कृष्ण का, तो उसके पास गए और बहू से जाकर बोले, बहू हम क्या करें, हमें लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया और कहा कल सब समाप्त हो जाएगा, दिवाली के दिन दिवाला निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर जो बहू थी उसने कहा, देखिए पिताजी, कल तो सब कुछ नष्ट होने ही वाला है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि भगवान की सेवा में इस धन को लगा दे, कम से कम नाम तो, प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी, कुछ सेवा का कृपा तो मिल जाएगी। तो इस तरह से वो बात मान गए और दान के पुण्य प्राप्ति के लिए सेवा जन कल्याण के भाव से उन्होंने 60% धन को कुएं बावड़ी बनाने में, मंदिर, विष्णु मंदिर निर्माण में, विष्णु प्रसाद वितरण में, विष्णु ग्रंथ वितरण में लगा दिया। तो दिवाली के दिन फिर दोबारा से उनको सपना आया, लक्ष्मी जी बोलते हैं तुम्हारी बहू बड़ी होशियार है, बड़ी समझदार है, उसने मुझे जीने के लिए फिर से यहाँ पर स्थान प्रदान कर दिया है।
अब यहाँ पर 60% स्थान खाली हो गया, अब मैं फिर यहाँ रहना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं बड़ी प्रसन्न हूँ क्योंकि अब तुमने मेरी सेवा मेरे पति नारायण की सेवा में करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मी जी को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके पति नारायण के सेवा में उनको लगाया जाए। देखिए हमेशा उनके पांव दबाती, कोई भी पिक्चर आप देखिए गूगल में लिखिए लक्ष्मी नारायण, नारायण के पांव दबाती मिलेंगी। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो अपने धन को जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाता है उसको लक्ष्मी भी मिलती है, यश भी मिलता है, कृपा भी मिलती है, पुण्य भी मिलता है, सब मिल जाता है। तो इस दीपावली लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए या सीताराम या यशोदा दामोदर राधा कृष्ण का भजन करिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिवाली के दिन अद्भुत आपको कृपा मिल सकती है। दिवाली के दिन ही यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा था, तो ये बड़ा ही अच्छा दिन है। कई सारे दियों को लीजिए, भगवान के आगे घुमाइए, जैसा हमने बताया 4 बार चरणों में, 2 बार वक्षस्थल पर, 3 बार मुखारविंद पर। गणेश जी की जगह पर नरसिंह भगवान की आरती गा सकते हैं क्योंकि गणेश जी विघ्न हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं नरसिंह भगवान से। तो आप गणपति की भी कर सकते हैं, गणपति के साथ साथ नरसिंह की करिए, और अगर आप नरसिंह की कर लेंगे तो आपको गणपति करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये स्पेशल कृपा मिलती है क्योंकि गणपति जो है वो केवल भौतिक विघ्न हरते हैं, परंतु नरसिंह भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त है। तो नरसिंह की आरती करिए, कृष्ण दामोदर राधा कृष्ण राधा दामोदर सीताराम को दीप दिखाइए, अन्य भागवत पढ़िए, भगवान के ग्रंथ लीलाओं को पढ़िए जो कि हुई हैं दीपावली के दिन, और फिर अपने घर में उस सारे दियों को लगाइए और भजन करिए अत्यधिक, और बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाकर भगवान को भोग लगाइए। इस तरह से दीपावली मनानी चाहिए। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, तो उस दिन लोग अन्नकूट उत्सव बनाते, कई सारी सब्जियों को मिक्स करके भगवान कृष्ण का भोग लगाते हैं, मंदिरों में गिरिराज परिक्रमा की जाती है और अद्भुत कृपा प्राप्त की जाती है। और उसके बाद जो अगला दिन है जिसे भाई दूज कहते हैं, ये बड़ा अद्भुत है। तो आज हमारा जो श्लोक है स्कंद पुराण से आया है, जिसमें सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों को कहा था, कार्तिके चादुत्यायाम पूर्वायम यमम आर्चरेत भानुजयम नरम स्नात्वा यम लोकम न पश्यति। कहते हैं सूत जी ने कहा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि जो ये शुक्ल द्वितीया आती है भैया दूज, इस द्वितीया के दिन जो लोग यमुना जी में जाकर स्नान करते हैं उनको यमराज का दर्शन कभी नहीं होता, क्योंकि यमुना के भाई हैं यमराज। तो अगर यमुना के भाई है यमराज और यमुना कृष्ण की अर्धांगनी है, तो जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान करता है, कृष्ण का भजन करता है द्वितीया के दिन, उस व्यक्ति पर कभी यम का प्रकोप नहीं होता, वो कभी नर्क में नहीं जाएगा या नर्क यातना से बच जाएगा। तो ये बड़ी विशेष कृपा होती है, भाई बहन अगर मिलकर के स्नान कर सके, ओहो अद्भुत कृपा मिलती है। खाना खा रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम उसके विरोधी नहीं है, परंतु शास्त्र कह रहे स्कंद पुराण यमुना जी में उस दिन यमराज भी विशेष आते हैं अपनी बहन के घर भोजन करने के लिए। तो ये दोनों ही सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य पुत्र यमुना जी, यमुना और यम यमुना और यमराज, इन दोनों का मिलाप होता है। इस दिन यमुना स्नान करें, अद्भुत कृपा मिलती है। अगर यमुना जी नहीं जा सकते तो यमुना अष्टकम का पाठ करें, यमुना जी के जल को ले आए और अपने पानी में मिलाकर के आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं तो यमुना जी का स्मरण करिए कि मेरे जल में आ जाएं और उस जल से स्नान कर लीजिए। कुछ तो करिए, भगवान के भजन करिए, यमुना जी का स्मरण करिए, यमुना कथा पढ़िए, यमुना आरती करिए, ऐसा कुछ कार्य करिए जिसमें यमुना जी का स्मरण हो, ताकि नर्क यातनाओं से आप बच सके। आशा करते हैं आपका ये पंचदिवसीय उत्सव अच्छे से बनेगा और आनंद से बनेगा। हरे कृष्णा।